हाय एवरीवन, आज का जो मेरा मेकअप लुक है ये स्पेशली मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जिनकी हुडेड आईज होती हैं और मेरी भी हुडेड आईज ही हैं. और हुडेड आईज का मतलब है कि ये हिस्सा आपका थोड़ा सा ज़्यादा फूला हुआ होता है और ये यहाँ पे थोड़ा सा कम जगह होती है, तो जब आप आईज अपनी ओपन करते हैं तो कई बार होता है कि इस तरह से भी झुका हुआ सा होता है कई लोगों का. तो ये अगर है इस तरह से आपकी आईज तो आप किस तरह से मेकअप कर सकते हैं. और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा. और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं. तो मैंने सबसे पहले आई बेस लगाया है और ये NYX का है और इसकी मैं एक अच्छी लेयर लगा रही हूँ आईलिड क्रीज और लोअर लैश लाइन पे. और अब मेकअप रेवोल्यूशन पैलेट में से मैंने ये शेड लिया है ब्राउन कलर और इसको इस तरह से मैं लगा रही हूँ. राउंड ब्रश है ये, ब्लेंडिंग ब्रश, और मैं इसको कॉर्नर में ज़्यादा एक्सेंचुएट कर रही हूँ और ऊपर की तरफ क्रीज पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही क्योंकि वो हिस्सा थोड़ा सा फूला सा होता है तो ज़्यादा अजीब सा वो पता चलेगा. तो कॉर्नर पर ज़्यादा इसको एक्सेंचुएट करते हुए और हल्का हल्का सा कलर लेके बस अंदर इस तरह से आप लगा दीजिए आईलिड के जस्ट अबव. तो बहुत ऊपर तक आपको मतलब नहीं लगाना है ये शेड. और अब ये शेड मैंने लिया है और ये भी मेकअप रेवोल्यूशन का ही पैलेट है और जो भी पैलेट मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लगा दूँगी नाम, तो आप चेक कर सकते हैं. तो इस तरह से पहले फिंगर से और उसके बाद पेंसिल ब्रश लेके जिससे कि अच्छे से लग जाए कलर, तो मैंने लगाया है. और अभी हल्का सा शिमर मैंने यूज़ करा है, आप चाहें तो कर सकते हैं स्किप इसको. तो मैंने बेसिकली इसलिए लिया है जिससे कि ज़्यादा ब्राइटनेस मतलब आईज़ में लगे. और अब लिया है मैंने मस्कारा और ये मेबिलिन का है और इसको आप लगा लीजिए. और अब ये मैंने लिया है प्राइमर और इसको पूरे फेस पे मैं लगा रही हूँ. और ये फाउंडेशन मैंने यूज़ करा है और इसका नंबर है 150 रेडियंट बेज. और इस तरह से मैं इसको लगा रही हूँ. और अगर आपको देखना है कि फाउंडेशन और कंसीलर कैसे लगाते हैं तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, तो आप वो चेक कर सकते हैं. और ये कंसीलर मैंने यूज़ किया है, ये भी मेबिलिन का है और इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से फॉर अ चेंज. और हल्का सा कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ, ये मैं बोर्जुआ का है इसको सेट करने के लिए. तो पूरे फेस पे मैं कॉम्पैक्ट नहीं यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ अंडर आई. और ये मैंने लैशेस ली हैं जो कि आईल्योर की हैं और इनका नंबर है 100 और ये ब्रॉडवे का इसका ग्लू है. तो इस तरह से मैं आईलैशेस लगा रही हूँ. और लाइनर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि लाइनर मोटा लगे या तो वो स्पेशली स्माइल करते टाइम मतलब आपकी आईज़ थोड़ा और छोटी दिखती हैं तो लाइनर फिर थोड़ा सा अजीब लगता है. तो ऐसा नहीं कि लाइनर आप नहीं लगा सकते, उसकी एक ट्रिक है. तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी हुडेड आईज़ के लिए, किस किस तरह से आप लाइनर लगा सकते हैं. तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि मैंने ये कलर पेंसिल यूज़ किया है ग्रीन कलर का, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ थिक मतलब लगाने से अच्छा है कि आप नीचे लोअर लैश लाइन पे आप प्ले अराउंड करें कलर से. तो आप कोई भी कलर मतलब जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो लगा सकते हैं. तो ऊपर न्यूट्रल शेड होगा, नीचे आप कोई भी कलर फिर आप लगाएंगे तो ओवरऑल वो अच्छा लगेगा. तो इस तरह से ये दो कलर मैंने यूज़ करे हैं. और इनर कॉर्नर्स में मैंने लिया है हाइलाइटर और ऊपर मैंने आईब्रो के जस्ट बिलो ही लगाया है, उसको बहुत ज़्यादा नहीं लगाया वरना बहुत उभरा हुआ सा और लगेगा. तो सिर्फ कम एरिया में ही लगाइए. और अब ये मैंने लिया है कॉन्ट्यूर करने के लिए, पहला शेड नोज़ के लिए और ये दोनों चीक्स के लिए. तो नोज़ के लिए मैंने जो शेड लिया था उसी को मैं हल्का सा कॉन्ट्यूर कर रही हूँ और लूज़ पाउडर से मैं उसको थोड़ा सा सॉफ्टर एक लुक देने के लिए मैं ऊपर से लगा रही हूँ. और चीक्स कॉन्ट्योर कर रही हूँ जो मैंने दो शेड दिखाए थे उनको आपस में थोड़ा सा मिक्स करके.
और कॉन्टूरिंग और ये हाइलाइटिंग ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें, नहीं मन है मत करिए। तो अब मैंने ये लिया है मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर है ये, और इसको मैं लिप्स के जस्ट अबव क्यूपिड्स बो पे लगा रही हूँ। और ये तीन मैंने लिपस्टिक यूज़ किया है। मैं पहले चाह रही थी थोड़ा सा पर्पली ही रहे, थोड़ा ज़्यादा पर्पल रहे, तो इसलिए मैंने पहले ये दो शेड ही लगाए थे। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड करा एक न्यूड शेड ऊपर से लगाने का, तो जिससे कि जो जिस तरह का कलर मुझे चाहिए था वो आ गया। आप चाहें तो किसी भी तरह का कलर आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो न्यूड या फिर कोई डार्क शेड, आप जैसा आपका मन करे आप लगा सकते हैं। और अब ये ब्लश मैंने यूज़ करा है, और ये मेकअप रेवोल्यूशन का है, तो ये एक कूल टोन्ड पिंक, रोज़ पिंक टाइप का शेड है ये, और हल्का सा हाईलाइट किया है मैंने, और सेम वो मेकअप रेवोल्यूशन वाला हाईलाइटर है। और हल्का सा मैं फोरहेड पे भी लगा रही हूँ, और नोज़ के ब्रिज पे लगा रही हूँ, और हल्का इसको पतला सा ही लगाना है, मतलब थिन सी ही लाइन बनानी है। और एंड में मैं सेटिंग स्प्रे लगा रही हूँ, तो जिससे कि मेकअप आपका लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, और जो भी शिमर या कुछ आपने लगाया है वो अपनी जगह पर बने रहते हैं। तो बस ये फाइनल लुक है। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, आपके लिए हेल्पफुल यूज़फुल रहा हो, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बेल बटन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय।